हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ परफेक्ट ट्यूबर। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोग संडे को कहां जाते हैं, कैसे स्पेंड करते हैं और क्या करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग एमलेसली निकले हैं, यानी कि हम लोग को अभी तक नहीं पता है कि हम लोग कहां जा रहे हैं, बस निकल गए हैं घर से। आगे जब जैसा सिचुएशन होगा वहाँ पर चले जाएँगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वेदर था। हम लोग अराउंड 1:45 PM में निकले हैं। बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही सनी ब्राइट है और बहुत अच्छी हवा भी चल रही है एट द सेम टाइम। मतलब आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और बहुत अच्छा सा वार्म्थ भी फील हो रहा है। और ये देखिए, कलकत्ता हॉस्पिटल को क्रॉस करते हुए हम लोग लेफ्ट साइड में अलीपुर ज़ू की तरफ में आ गए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग आपको ज़ू भी दिखाएंगे, ज़ू का व्लॉग भी बनाएंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा ज़ू है। कहाँ लेके चल रहे हैं? भूख लग रही है, बताइए जरा। रास्ते में निकल गए, मंजिल का पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पार्क स्ट्रीट की तरफ आ गए हैं और मैंने यहाँ पे एरो से आपको डिनोट करने की कोशिश की है पैराडाइज रेस्टोरेंट, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही क्यूट सा रेस्टोरेंट है। छोटा मोटा है लेकिन वर्ल्ड्स फेमस बिरयानी मिलती है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आकर खा चुके हैं यहाँ पर। बट लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो बिरयानी थोड़ी सी गीली लगी हम लोग को, इसलिए हम लोग को उस टाइम इतना पसंद नहीं आया। लेट्स सी इस बार हम लोग को कैसा लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं एंटर करते के साथ ही कितना ज़्यादा क्राउड दिख रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा था और बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बिल्कुल कंजेस्टेड हो रहा था। सारा टेबल जो है भरा हुआ था, एक भी टेबल खाली नहीं था। बस एक कॉर्नर में था खाली, जहाँ पर हम लोग जाकर बैठे, वो भी क्लीन नहीं हुआ था। और काफ़ी देर बाद स्टाफ जो है क्लीन करने के लिए आया, तो बहुत ज़्यादा लेट रिएक्शन था इन लोगों का। बहुत ज़्यादा आराम आराम से काम कर रहे थे, या फिर हो सकता है स्टाफ की शॉर्टेज थी या उस दिन कम आए थे, वॉट एवर इट वॉज। बट बहुत देर में सब कुछ हुआ और साफ़ करने के बाद, क्लीनिंग के बाद भी, हमने जब ऑर्डर कर दिया उसके बाद भी 10-15 मिनट बाद खाना आया। तो ऑल इन ऑल हम लोग को अराउंड हाफ एन आवर वेट करना पड़ा, उसके बाद खाना आया। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल कॉम्पैक्ट हो रहा है ये जगह, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, क्योंकि इतनी सी जगह में बहुत ज़्यादा टेबल लगा दिया गया है। और हम लोग जब चेयर मूव कर रहे थे तो पीछे के डाइनिंग टेबल जो है वो भी मूव हो जा रहे थे, तो इतना क्लोज था, इतना कॉम्पैक्ट था, विच इज़ नॉट गुड। थोड़ा सा मतलब गैप होना चाहिए था। और ये देखिए, ये है पैराडाइज रेस्टोरेंट का मेन्यू बुक, जिसमें स्टार्टिंग में हिस्ट्री लिखी हुई है रेस्टोरेंट से रिलेटेड, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं फूड आइटम्स है अलॉन्ग विद प्राइसेस। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर एग बिरयानी है, वेज बिरयानी है, मटन बिरयानी है, चिकन बिरयानी है और चिकन तंदूरी बिरयानी है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिरयानी है और आपको नॉन वेज करीज भी मिल जाएगा और बेवरेजेस भी मिल जाएंगे और डिज़र्ट्स भी मिल जाएगा। तो ऑल इन ऑल काफ़ी कुछ है। ये देखिए, हमारा खाना आ गया है। हमने दो मटन बिरयानी ऑर्डर की थी और एक चिकन बिरयानी कुलसुम के लिए। तो हाफ एन आवर बाद सर्व किया उन लोगों ने। साथ में आप देख सकते हैं दही रखा हुआ है, सैलड रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम लोग बाहर जाते हैं कहीं भी रेस्टोरेंट में या कहीं भी खाने जाते हैं, तो मेरे हस्बैंड सर्व करते हैं। वो इसलिए क्योंकि मैं कैमरा पकड़ी रहती हूँ और मेरा हाथ फ्री नहीं रहता है, इसलिए उन्हें सर्व करना पड़ता है। बट एक्चुअल में उल्टा है, घर पर ऑलवेज मुझे ही सर्व करना होता है। And I love to serve my husband and cute little babies. कैसा लग रहा है बिरयानी? बिरयानी तो बिरयानी अच्छी है, मटन का पीस बहुत अच्छा है, टेस्टी है। खाना बहुत ही टेस्टी है,
पैराडाइज बिरयानी जो कि वन ऑफ द मोस्ट वर्ल्ड फेमस बिरयानी है। फर्स्ट ब्रांच इसका हैदराबाद में था। अभी हम लोग जहाँ पे हैं वो पार्क स्ट्रीट में है और हम लोग मटन हैदराबादी बिरयानी खा रहे हैं। मटन का पेस्ट बहुत ही सॉफ्ट एंड वाइट है। बिरयानी तो बहुत ही टेस्टी है बट इन लोगों का क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो अगर आपको जब भी खाना हो तो कभी भी रॉयल मटन बिरयानी मत दीजिएगा बिकॉज आपका पेट नहीं भरने वाला है। लाइट मील के लिए ठीक है बट वेन एवर यू आर हंग्री इनफ तो आप निज़ामी हैदराबादी बिरयानी लीजिए मटन वाला। सेम चीज़ सेम क्वालिटी सेम चीज़ क्वान्टिटी विल भी डिफरेंट। तो हम लोगों ने तो पता नहीं था तो हम लोगों ने वो रॉयल वाला कर दिया, पेट नहीं भर रहा है तो इसलिए हम लोगों ने एक्स्ट्रा बिरयानी ऑर्डर किया है फिर से। तो फ्रेंड्स हमने टोटल 4 बिरयानी ऑर्डर की, लास्ट में एक एक्स्ट्रा हमने मंगवाया था क्योंकि बिरयानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम था रॉयल बिरयानी का अमाउंट। फिर उसके बाद से हम लोग अराउंड वहाँ से 3:30 बजे के करीब निकल गए। चलो क्रिसो, शी इज़ ऑल्सो मेकिंग व्लॉग, माई गॉड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा ऑफ़र चल रहा है पैराडाइज रेस्टोरेंट में, टेक अवे ऑफ़र्स। मतलब आप यहाँ पर बैठ के नहीं खा सकते, घर ले जाकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑफ़र है, ये देख सकते हैं आप 639 में कितना अच्छा ऑफ़र है। 1069 में 2 बिरयानी है, 1 सिग्नेचर कबाब है, 2 बेवरेजेस है, बहुत सारा कुछ है, बहुत अच्छा अच्छा ऑफ़र्स है। तो आप ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये ऑफ़र, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठ के खा रहे थे तो हम लोग के लिए ऑफ़र वैलिड नहीं था, बट जो घर लेकर जाएंगे उन लोगों के लिए ऑफ़र वैलिड होगा और बहुत ही एक्साइटिंग ऑफ़र है। जब एक्सक्लूसिव और अलग हट के बनता तभी मुझे कुछ अच्छा लगता है बिरयानी, बट कंपेरेटिवली अरसलान से अरसलान का हैदराबादी बिरयानी ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिव टू पैराडाइज बिरयानी। बट पैराडाइज बिरयानी विच आई हैड इन हैदराबाद 7-8 ईयर्स बैक इन मेहंदीपट्टनम, द एक्चुअल पैराडाइज बिरयानी जो है वो फर्स्ट था वो हैदराबाद, तो वहाँ पे बहुत अच्छा हम लोग खाए थे, बहुत टेस्टी वहाँ पे बनता, बट यहाँ पे उतना नॉट अप टू द मार्क क्योंकि बिरयानी में गरम मसाला का फ्लेवर, मतलब वो जो स्पाइसीनेस थोड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा मसालेदार था ना। लास्ट टाइम हम लोग खाए थे तो पूरा गीला हो गया था। हाँ तो, वो तो बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगा था लास्ट टाइम पैराडाइज में जो आके खाए थे। इस बार थोड़ा उससे कंपेरेटिवली बेटर है बट स्टिल हम बोलेंगे कि मतलब हैदराबाद वाला जो पैराडाइज बिरयानी है उसका काफ़ी हद तक बेटर टेस्ट है। तो मोहम्मद, हेलो बेबी, हेलो, से हाय। प्राइस कंपेरेटिवली थोड़ा हाई भी है, अगर आप एक बिरयानी का अगर आप 450 रुपये दे रहे हो तो पेट तो भरना चाहिए, तो एक बिरयानी 450 और उसमें छोटा छोटा 2 पीस नॉट वर्थ। कंपेरेटिवली अरसलान में आप 320 या 330 में आपको हैदराबादी बिरयानी अगर आप ले तो आपका पेट एकदम फुल हो जाए। यहाँ पे हाँ, लास्ट टाइम हम लोग खाए थे मेरे बर्थडे में, कितना टेस्टी था यार, बहुत यमी था। यहाँ पे ऐसे तो एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, स्टाफ लोग भी बहुत ही वेल बिहेव्ड और बहुत ही कर्टियस है, बट मैन पावर शॉर्टेज थोड़ा सा आपको फील होगा क्योंकि आपको आने के बाद में 15-20 मिनट बैठना पड़ेगा, ऑर्डर के बाद भी 15-20 मिनट बैठना होगा, और सपोज़ आप खाते खाते कुछ अगर ऐड ऑन लेना चाहते हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी देर वेट करना पड़ सकता है, तो मैन पावर का क्लियर कट शॉर्टेज दिख रहा था। और एक चीज़ है कि स्पेस भी बहुत ही क्लमज़ी है, मतलब बहुत ही कंजेस्टेड फील होगा आपको, तो अगर आप पीछे चेयर करेंगे तो पीछे साइड वाले को लग जाएगा, इट काइंड ऑफ अ थिंग। तो सही बोले हम लोग उसमें से हार्डली 150-200 स्क्वायर फीट का स्पेस होगा, उसमें 28 सीट्स, तो थोड़ा सा वो स्पेस इश्यू भी है। अदरवाइज ओवरऑल मैं 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5, मेरा रिव्यू फीडबैक ये है, बट ठीक है, यू कैन कम एंजॉय, बट एनवायरनमेंट अच्छा लगता है ना। हाँ,
और सूदिंग सा बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है, फिर लाइटिंग्स वगैरह। तो आप जब भी आओ मटन बिरयानी यहाँ पे ऑर्डर करो तो निज़ाम वाला करना, टेस्ट सब कुछ इक्वल है। रॉयल मटन बिरयानी और निज़ाम मटन बिरयानी दोनों ही सेम चीज़ है, बट क्वांटिटी का बहुत फ़र्क है। तो नॉर्मल बिरयानी आप लोग सोचते हैं कि बिरयानी ऑर्डर किया खा लिए, आपका पेट नहीं भरने वाला, मतलब समझ लीजिए कि जैसे आपको हल्का फुल्का भूख लगा है तो उसके लिए, बट लंच प्रॉपर डिनर तो आपको आप निज़ामी वाला करना पड़ेगा। हम लोगों ने रॉयल वाला किया था, उन लोगों का पेट नहीं भरा, इसलिए हम लोगों को एक्स्ट्रा दो बिरयानी करना पड़ा। तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस, नॉट बैड, बट हाँ एक चीज़ और, यहाँ पे एक अच्छा कॉम्बो ऑफर चल रहा है, अभी कब तक रहेगा पता नहीं, बट ये आप यहाँ पे रेस्टोरेंट में नहीं बैठ के खा सकते, टेक होम का ऑफर है। अगर आप यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं या ऑनलाइन अगर आप खाना चाहते हैं तो 660 में आप दो बिरयानी, दो चिकन बिरयानी ले सकते हैं और एक चिकन टिक्का का प्लेट, उसमें 8 पीस रहेगा स्टैंडर्ड साइज़। तो एक प्लेट चिकन टिक्का, दो बिरयानी और दो 250 ml का पेट बॉटल, वो आपको 660 में आ जाएगा, सपोज 700 में आ जाएगा, दैट इज़ क्वाइट वर्थ। तो टेक होम के लिए वो बहुत, टेक होम टेक अवे इस काइंड ऑफ सेम, बट अगर यहाँ बैठ के खाना है तो पर हेड आपको सपोज 500 रुपीज़ पर हेड आपको आएगा। तो अगर आप फैमिली में आते हो 4 के तो 2000 तक में आपका अच्छे से हो जाएगा। चलो मूव करते हैं यहाँ से, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं कहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करना है, छोटा मोटा रिक्वायरमेंट्स है। तो चलो कुलसम, लेट्स गो, लेट्स मूव फ्रॉम हियर। सोडा कितने का आएगा? 10 रुपये के साथ, 10 रुपये। 2 सोडा बनाइए। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत सारा कुछ डाल रहे हैं ये सोडा में, लेकिन जब मैंने पिया तो मुझे ऐसा लगा कि जितना भी इन्होंने डाला है उसका डबल अमाउंट डालना चाहिए था, क्योंकि फीका जैसा टेस्ट लग रहा था सोडा का। कैसा लग रहा है कुलसुम? अच्छा। नहीं पीना है? बेसिकली जो टेस्ट भी होता है सोडा वाटर है और क्या, लेकिन फिर भी कुछ खट्टा मीठा जो डाले थे वो उसका असर कुछ नहीं है ना। अरे हर जगह का बिरयानी का टेस्ट चाहिए, ये डाइजेशन के लिए सोडा वाटर अभी पीता क्यों है? ब्लैक सॉल्ट दे करके, थोड़ा सा नींबू दे करके, थोड़ा सब कम था, वही तो बताना चाह रहे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, सोडा वाले के जस्ट पास में ही मोबाइल कवर मिल रहा था, तो मैंने बहुत ही प्यारा सा मोबाइल कवर लगवाया अपने हस्बैंड से बोलकर, और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगवाया, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था मेरा फ़ोन। तो मेरा स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लग गया है, अच्छे साफ करके लगाए थे ना भाई, बहुत गंदा हो रहा था। और अब हम लोग अपनी बाइक की तरफ जा रहे हैं। बैठ रहे हैं, उधर निकालने दो। भैया 15 का 2 ले लीजिए, उसमें भी पिएगी क्या? भैया 1 15 1 25। मामा वीडियो करिए ना, मोहम्मद नहीं पियोगे तुम? ये 25 रुपये का ग्लास है, और क्या चाहिए? पहले भी तो हम लोग यहाँ पे पिए हैं, लेकिन ये ग्लास तो नहीं था। ये अभी फेमस बहुत ज़्यादा हो गया है, हम लोग तो बचपन से पी रहे हैं, पहले हम लोग क्रिकेट विकेट खेलने आते थे यहाँ पे पी के जाते। हम खुद कितनी बार पी चुके हैं शादी के बाद आके। खाना वाना खाया ना, खाना खाया, वहाँ पे सोडा वाटर भी है, अभी इतना गर्मी है।
मतलब पेट भर जा रहा है लेकिन प्यास नहीं मर रही है। प्यास नहीं बुझ रही आपकी है? तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ह्यूज मग है, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लास है। इसमें आपको 15 और 25 रुपए का जूस मिल जाएगा बिल्कुल भर के। बहुत ही सस्ता है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही डिलीशियस था गन्ने का जूस। यमी था वो, यमी था। मेरी मुन्नी को थोड़ा ही था मिला है ना मुन्नी, और पीने का दिल था तुम्हारा? नहीं हो गया तुम्हारा उसी में? छोटा सा तो पेट है कुलसुम का, एक गुट दो गुट पीती है पेट भर जाता है ना कुलसुम? ये कुलसुम का दांत जो है अपने से नहीं टूटा है, कुलसुम का दांत जो है चोट लग के टूट गया है ना कुलसुम? घर चले कुलसुम, मजा आया? पेटू भर गया आपका? पेट भरा? अब जाके पेट को पाँच साल में पूरा फैमिली बैठेगा ना? तो फ्रेंड्स हमने बिरयानी खाई, लंच किया पैराडाइज रेस्टोरेंट में, उसके बाद फिर बाहर में सोडा पिया, उसके बाद से फिर हमने गन्ने का जूस पिया, और इसके बाद से अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है आसमान, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत ही कूलिंग वेदर है। और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।